आपने नोटिस किया होगा बारिश के दिनों में चना जोर गरम वाले कई दिखते हैं। ऐसे में उनके क्रिस्पी बहुत होते हैं चना जोर गरम। कभी आपने खाए हैं क्या? मैंने तो चना जोर गरम वाले भैया से बहुत सारे सीक्रेट पूछे हैं और उसके बाद जो मुझे रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला तो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। चना जोर गरम बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा हमें कौन से चने चाहिए। सुपरमार्केट में आराम से आपको ये टाइप के चने मिल जाएंगे। ये दो टाइप के चने होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं कुछ और कुछ थोड़े छोटे होते हैं। किसी का कलर थोड़ा डार्क होता है और किसी का थोड़ा लाइट होता है। आपको देसी चना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिल जाएगा आराम से, जिसे हम सलाद के रूप में भी बनाते हैं, चाट के रूप में भी बनाते हैं और सब्जी भी बनाते हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरे ध्यान से देखेंगे तो यकीन मानिए इतना अच्छा लगेगा। चना जोर गरम जो बाहर से खाते हो, कभी भी बनाकर नहीं देखे आपने, शायद सोचा ही नहीं है कि ये हमें घर में बना सकते हैं, वो आप आसानी से उससे भी अच्छे घर में बना पाओगे। मुंबई में जैसे भेल बहुत ज़्यादा फेमस है, राजस्थान में चना जोर गरम की भेल बहुत फेमस है। एक बढ़िया सा नाश्ता है और ये गर्मी के बाद जो बारिश आती है उसमें हमें बहुत पसंद आते हैं। और इसे आप एक कटोरी ले सकते हो, आधी कटोरी ले सकते हो, ये चॉइस आपकी है। अभी मैंने एक कप ले लिया है, इनको चने को भर दिया है। अब इस यहाँ पर मैं आपको पहली ट्रिक ये देती हूँ, ना हमें उबालना है, ना इसे धोना है, ना ही भिगा के रखना है। हमें क्या करना है, बस इस चने को निकाल कर एक तरफ रखना है। अब हमें गैस पर एक पतीला रखना है जिसमें कम से कम 1.5 से 2 गिलास पानी डालना है। सबसे पहले इस पानी को हम उबलने देंगे। जैसे ही पानी में उबाला आ जाएगा हमारा काम शुरू हो जाएगा। इन चनों को हम उबलते हुए पानी के अंदर डालेंगे। चलाना भी नहीं है, ढकना भी नहीं है और कंटिन्यूसली इसे उबालना है 4 मिनट तक। 2 मिनट में आप देखेंगे चने धीरे धीरे ऊपर की सतह पर, पानी की सतह पर आ गए हैं। उसके बाद बाकी 2 मिनट और उबलेंगे। ये चने वाले भैया ने जो मुझे सीक्रेट बताए हैं उसे आप भी नोट कर लीजिए। बहुत मजा आएगा जब रेसिपी बनाकर खुश हो जाएंगे आप। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत करनी है, बस यही है कि आपको टाइम का ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने कम उबाले तो ये चने सूखे सूखे हो जाएंगे, अगर आपने इनको ज़्यादा उबाल लिया तो वो पिस से जाएंगे, वो मज़ा ही नहीं आएगा। अब जब तक ये चने उबल रहे हैं मुझे एक तैयारी करनी होगी। एक पतीला या कोई भी एक बर्तन लेना होगा और उसमें 1 से 2 नैपकिन डालने हैं। नैपकिन भी कैसे, जैसे मोटे वाले, किचन टॉवल भी ले सकते हो, बस मोटे वाले रोएदार डालिए जिससे ना हमें इसमें चने दबाकर रख देने हैं। जैसे ही 4 मिनट हो जाते हैं हम गैस बंद कर देते हैं और छन्नी से उन चनों को निकाल लेते हैं। अब एक तरीके से ये चने धुल भी गए, भीग भी गए और उबल भी गए, सारा काम इसी के अंदर हो गया। बस छन्नी से निकालते हुए, पानी को निथारते हुए आप इस टॉवल के अंदर डालते जाइए। इन सारे चनों को आप इसी में दबाकर दोनों टॉवलों में बंद करके रख दीजिए, ऊपर से एक और टॉवल रख दीजिए। यहाँ मैंने इसे ढककर रख दिया। अब मैं कल मिलती हूँ आपसे जब ये चने पूरी तरीके से इसके अंदर दब जाएंगे, मतलब इसे इसको दाब के रखना है, मतलब 8 घंटे इसको खोलना ही नहीं है। अब सुबह इस पतीले को देखते हैं, अब हम इसके दाने कुछ निकाल लेते हैं। बाकी के जो दाने हैं ना उसको ढक के रखना है, नहीं तो हवा लग जाएगी फिर ये सूख जाएंगे। इसमें कोई पानी भी नहीं है, जो हल्का सा मॉइस्चर मुझे चाहिए था बस उतना ही है। अब एक चकला ले लेते हैं जो कि हमारे घरों में होता ही है। चकले के ऊपर कुछ दाने बिछा दीजिए। अब यहाँ पर आपको कूटने के लिए कोई अलग से मशीन नहीं चाहिए, मोल्ड नहीं चाहिए। जो ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो उनके पास एक स्पेशल मशीन होती है, तो हमें घरों में मशीन की ज़रूरत नहीं है। आप तो एक छोटा सा खलबत्ता लीजिए जिससे आप लहसुन या अदरक कूटते हो, बस वही ले लीजिए। इस छोटी सी मूसली से आप इस तरीके से चनों को 1-2 बार कूटने से आराम से इस तरीके से बढ़िया चने बन जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, आप मुझे सुनने से ज़्यादा इसे देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कोई झंझट नहीं है। और खास बात है इस ट्रिक से जब हम बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल ऑयली नहीं बनेंगे। अगर आप बॉयल करके, सुखा के, उसे बेल कर बनाते हो तो क्या होता है कि वो ऑयली बन जाते हैं, ये बिल्कुल ऑयली नहीं बनते हैं। बारिश में भी ये क्रिस्पी के क्रिस्पी बने रहते हैं क्योंकि इसका बनाने का जो तरीका है उनका बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है।
बस इसी तरीके से इन भुने चनों को आप कूटते जाइए और मजे से इसका एंजॉय कीजिए। हर एक काम में एक अलग सा मजा होता है उसे करने का। तो मुझे तो ये काम करने में ना बहुत मजे आते हैं। मैं कोई भी नया काम जो होता है ना उसे सीखने की ज्यादा कोशिश करती हूँ। इस उम्र में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये काम सीखूं। अभी हाल ही में मैंने एक सिलाई मशीन ली है और उसको मैं रोज सीख रही हूँ और मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ। रात को एक घंटा रोज मजे से उस मशीन को चला रही हूँ और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आपकी भी कोई इस तरीके की हॉबी होगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी हॉबी यही है कि उम्र से कोई लेना देना नहीं, जब भी आपको टाइम मिले अगर आपको कुछ सीखने का मन करता है तो उसे सीख लीजिए। इसमें आप चाहें तो किसी की मदद भी ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये चने। और जैसे जैसे ये कूटते जाएं आप एक बटर पेपर पर या एक थाली में या प्लेट में किसी में भी रखते चले जाइए। सारे चने लगभग मैंने इस तरीके से कूट लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसके लिए खास मसाला, क्योंकि इसमें चटनियां नहीं लगती, इसमें मसाला नींबू प्याज हरा धनिया हरी मिर्च लगती है। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पुदीना पाउडर और 1/4 टीस्पून साइट्रिक। साइट्रिक जो होता है नींबू के फूल होते हैं, ये लोग जरूर डालते हैं। आप इसे स्किप कर सकते हो, इसके बदले आप अमचूर पाउडर डाल सकते हो 1/2 या 1 चम्मच। अब इन सारे मसालों को एक सूखी मिक्सी के जार में डाल दीजिए और सबको पीस कर एक बराबर सा मसाला बना लीजिए। ये जो मसाला है ना आप चना जोर गरम में तो डालोगे, आप किसी के ऊपर भी किसी भी नाश्ते के ऊपर डालोगे बहुत अच्छा लगेगा। दही बड़े के ऊपर भी डालोगे तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब एक तरफ मैंने और तैयारी कर ली है, बारीक प्याज काट लिया है, हरा धनिया काट लिया है, नींबू कट कर लिया है। बस अब बारी आती है आखिरी ट्रिक, जो इसे तलने का तरीका क्या होता है। तलने के लिए हमें एक कढ़ाई रखनी है गैस पर, जिसमें तेल रखा है गरम करने के लिए। तेल अच्छा गरम हो जाए फिर गरम होने के बाद इसको थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए। अब इसमें डायरेक्ट ना डालिए, डायरेक्ट डालेंगे ना तो आप परेशान होंगे। एक छन्नी डाल दीजिए बस। इसमें छन्नी जब आप डाल देंगे तो डायरेक्ट डालेंगे तल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सही तरीका उनका यही था कि इसमें एक छन्नी डाल दीजिए। छन्नी डालने के बाद एक एक मुट्ठी भर के आप इसमें चने डालिए। जैसे ही आप ऊपर नीचे करते रहेंगे बढ़िया क्रिस्पी होते रहेंगे। को लगे इसका कलर चेंज हो गया है, बढ़िया क्रिस्पी से लग रहे हैं, बस ऐसे खन खन की आवाज आ रही है, आप एक बर्तन में निकालते चले जाइए। है ना बढ़िया आसान सी बात। इसे तलना भी बिल्कुल झंझट नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी सेकंडों में ये फ्राई होके तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं और कभी भी ये बाद में ढीले नहीं होते हैं। मुझे यकीन है एक बार आपने ये ट्रिक इन चने वाले भैया की देख ली तो आप हमेशा इसे घर में बनाना पसंद करोगे। ये सारे चने को मैं फ्राई करके एक बड़े बोल में डाल देती हूँ। छन्नी में फ्राई करने से एक और फायदा भी है कि आपका तेल भी खराब नहीं होता, बहुत आराम से ये फ्राई भी हो जाते हैं। जब सारे चने फ्राई हो जाएं तब आप 1 चम्मच भर के इसमें मसाला डाल दीजिए, ताकि गरम गरम में थोड़ा सा मसाला चिपक जाना चाहिए। और बाकी जब आप सर्व करेंगे तभी इन चने के ऊपर आप मसाला डालकर सर्व करेंगे। चलिए अब आखिरी बात क्यों छोड़ें, इसे सर्व करना भी शुरू कर लेते हैं। उसी तरीके से एक कोन बना लेते हैं और एक प्लेट भी रख लेते हैं। जैसे आप खाना चाहें वैसे आप सर्व कर लीजिए। मैंने वैसे ही कागज वाली एक प्लेट ले ली है और उसमें कुछ ये चने डाल दिए हैं, प्याज डाल दिया है, हरा धनिया, ये मसाला और फिर लास्ट में नींबू का रस। अब इंजॉय कीजिए इस चखने का। इसी तरीके से ये लोग कोन में भी भर के देते हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं, इसका एंजॉय कीजिए। कैसी लगी आपको चने बनाने की ट्रिक मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लग रहे ना बिल्कुल चना जोर गरम वाले भैया जैसे चने, तो हाँ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे मोटिवेट भी करता है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।